जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली सबसे ज्यादा डिमांड वाले क्वेश्चन किए, बार बार ये मेरे पास में कई कमेंट्स आ गए और कई बार कॉल आते हैं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कि सर SSGD 2023 की जो ये वैकेंसी है पहले तो इसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, ये कितने पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है और क्या इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये पोस्ट और वैकेंसी कितनी रहने वाली है, विद प्रूफ बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे जिनकी एज मान के चलिए 18 से लेकर 23 साल है, अगर वो जनरल कैटेगरी से है और जिनकी एज 26 साल है अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है, जिनकी साल 28 साल अगर वो एससी या एसटी कैटेगरी से है, उन सभी के लिए SSGD सबसे बड़ा विकल्प रहता है। तो सबसे शानदार पोस्ट की वैकेंसी आने वाली, जितने भी बच्चे हैं जो अभी घर पे फ्री बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि फ्री बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अभी से अगर आप चाहते हो कि आपकी फौज में नौकरी लगे और 100% लगे तो आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि SSGD की जो कट ऑफ अभी गई थी वो देख लेना और फाइनल मेरिट लगभग आप मान के चलिए 80+ रहती है। जिन स्टेट में ज्यादा फौजी बनने की चाह है आप सभी को पता है कौन से वो स्टेट। सबसे पहले तो बता दूं कि लगभग 80,000 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली, इसका मैं आपको अभी प्रूफ बताने वाला हूं कि क्यों ये वैकेंसी इतनी बड़ी रहने वाली है। आप सभी को पता है ये वैकेंसी 2023 में के फर्स्ट महीने में आने वाली है, तो जितने भी बच्चे हैं उसका प्रूफ बताऊंगा कितने पोस्ट की वैकेंसी रहेगी साथ में। दूसरी बार ये देखिए SSGD 2023 का अभी से बेस हमारे अकेडमी में लगभग 150 बच्चों का ही है, इसमें से कुछ बच्चे अभी राजस्थान पुलिस का पेपर देने गए हुए हैं और कुछ बच्चों के कॉलेज एग्जाम, ये 150 बच्चों का बेच है। और ये कल की फोटो है, इससे पुरानी फोटो नहीं है, कल की फोटो है SSGD बेच की। ये गारंटेड बेच है, अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस रिटर्न, 100% फीस रिटर्न, फुल गारंटी के साथ आपका 100% है कि आप अगर अभी से एडमिशन लेते हैं हमारे एकेडमी में तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। एकेडमी हमारी राजस्थान कुचामन सिटी में है भाई, जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो बच्चे हैं सभी स्टेट्स हैं, ये वीडियो पे आप इस चैनल पे देख सकते हो कि ये बच्चों का पूरा रिव्यू है कि कौन सा बच्चा कहां से है, कैसी तैयारी होती है और कितने दिन से वो तैयारी कर रहे हैं। ये बैच अभी कल ही शुरू हुआ है। अगला जो बैच है वो आने वाली 1 तारीख से शुरू होगा, तो जितने भी बच्चे हैं वो 1 तारीख से पहले पहले आ सकते हैं भाई, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, SSGD 2023 के लिए बेच है। अब आप सोचिए कि ये 12 महीने तक जब तैयारी करेंगे तो इनको कोई रोक सकेगा क्या? अरे कोई रोक सकेगा इनका नंबर? और अगर रोक जाता है तो हम आपको 100% फीस वापस देने की गारंटी लेते हैं, ऐसा बेच हिंदुस्तान में कोई नहीं चला। साथ में SSGD का जो बच्चा नेवी एयरफोर्स का करना चाहता उसके लिए भी सेम गारंटी देते हैं। अप्रूव के तौर पे सबसे पहले तो बताऊं कि SSGD 2023 की अगर आप तैयारी आज से करो तो उसके क्या क्या फायदे हैं, पहले आप वो समझ लीजिए। अगर आप आज से 2023 वाले SSGD की तैयारी करते हैं लाडलो, पहला फायदा कि SSGD का सिलेबस और दिल्ली पुलिस का सिलेबस सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दोनों का एक ही लेवल है। साथ में RPF कॉन्स्टेबल की वैकेंसी कभी भी टपक सकती है बीच में, आप सभी को पता है कि 2019 की ये वैकेंसी है जो कि अभी तक नहीं हुई है, तो ये कभी भी आ सकती है, यानी इसी साल में आएगी 100% है। इसका सिलेबस भी सेम है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, इसका सिलेबस भी सेम है। UPP थोड़ा सा चेंज है, बाकी लेवल सेम है। दिल्ली पुलिस SCM, इसमें थोड़ा सा लेवल अप है। और ग्रुप डी, ये एग्जाम अगर आप दिल्ली पुलिस अभी से अगर SSGD की तैयारी करते हैं आज से तो इनको कोई रोक नहीं सकता, आपके पास में इतने मौके विकल्प मिलेंगे। दिल्ली पुलिस के कम से कम 2 विकल्प मान लो ड्राइवर और ये एक SCM का 3 विकल्प मिलेंगे, लास्ट मिला के फिर आपको SSGD मिलेगी। तो आप यहां से अभी से तैयारी शुरू करोगे तो ये सभी वैकेंसियों का सिलेबस सेम है, क्लासेस भी सेम है और SSGD के गारंटी बेच में हम इन सभी की तैयारी कराते हैं। ये नहीं कि केवल SSGD कराते, इनकी भी तैयारी कराएंगे, इनके भी पेपर दिलाएंगे। अप्रूव के लिए मैं बता दूं, ये आप खुद देख लीजिए कि कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेस, इसकी डेट दी हुई है 22/2 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे लाडलो और जून में इसका पेपर होगा। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपकी नौकरी 100% है, नहीं तो फिर वही बात है, आप पेपर देते रहो जिंदगी भर। अभी 80,000 पोस्ट की आएगी, इसकी क्या गारंटी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है इस बार CRPF की एक भी वैकेंसी नहीं आई, जबकि CRPF की 29,700 पोस्ट की वैकेंसी खाली थी। कितनी? 29,700 पोस्ट की वैकेंसी खाली थी CRPF की। अगर ये CRPF की वैकेंसी आती तो सभी को SSGD 2022 का अनुमान ये था कि लगभग ये 60,000 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, लेकिन हुआ क्या, ये 25,271 पोस्ट पे ही वैकेंसी कराई। कोई भी सरकार
अपना आप सभी को बताए, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी सरकार, वो सब ज्यादातर जो काम वैकेंसियां जो निकालते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो भी निकालते हैं, वो उनके सरकार के अंतिम दिनों में निकालते हैं। एसएससी जीडी 2023 इसी काम में आएगी। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी 60,000 की नॉर्मली वैकेंसी होती है, इसमें 30,000 का ही आंकड़ा जो सीआरपीएफ वाला है, ये साथ में इंक्लूड करने के कारण ही इस वैकेंसी में सीआरपीएफ की पोस्ट चली जाएगी, ताकि अगली जो वैकेंसी है 80,000 से 90,000 पोस्ट की वैकेंसी हो, ताकि पूरे देश में, आपको पता है एसएससी बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो पूरे देश में एक पॉजिटिव माहौल हो जाए सरकार के प्रति। और ये देखना, गारंटी है मेरी, ये वैकेंसी 80,000 से कम पोस्ट की नहीं रहने वाली है। तो अगर आप आज से तैयारी करोगे तो आपको फौजी बनने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पोस्ट और वैकेंसी तो लगभग 1,09,000 से ज्यादा, तो अभी इससे पहले वाले साल में बताई थी 1,09,000 थे, तो उसके बाद में 1.5 साल का ये समय जोड़ लीजिए, तो पोस्ट और वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख से भी प्लस, लेकिन 80,000 से 90,000 पोस्ट की वैकेंसी 101% है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये फिक्स डेटे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है लाडलो, और अभी से ही कर दीजिए आप तैयारी, अगर आप चाहते हो आप फौजी बने। जय हिंद, जय भारत।